देखिए, इंग्लिश में एक शब्द है आमतौर से बोलचाल में लिखने पढ़ने में प्रयोग होता है, क्रिएटिविटी। CREATIVITY, क्रिएटिविटी। तो इस वीडियो में क्रिएटिविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या अर्थ और मतलब होता है, दोनों में जानेंगे, एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में शब्द यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या मतलब होता है, समझिए क्रिएटिविटी का। देखिए, क्रिएटिव से क्रिएटिविटी बना है, मतलब होता है कुछ बनाने के लिए कल्पना या मूल विचारों का उपयोग, जिसमें होती है रंगीनता, नवीनता और उत्पादकता, उसी को हम बोलते हैं क्रिएटिविटी। जैसे होते हैं क्रिएटिव माइंड के लोग, जो नयापन दिखाता है, नयापन क्रिएट करता है, उसी अर्थ और भाव में क्रिएटिविटी को लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं रचनात्मकता, सृजनात्मकता, सृजनशीलता, मतलब क्रिएटिविटी। इंग्लिश में समझते हैं, इंग्लिश में क्रिएटिविटी का मतलब होता है हैविंग द एबिलिटी टू थिंक ऑफ समथिंग न्यू, मतलब वह इमेजिनेटिवनेस, इन्वेंटिवनेस, इनोवेशन, आर्टिस्ट्री, क्रिएटिवनेस, इनोवेटिव, इन्वेंटिव एंड ETC, मतलब और भी इंग्लिश में इसके शब्द हो सकते हैं क्रिएटिविटी के। अब एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में समझते हैं शब्द को अच्छी तरह से। जैसे बोलेंगे आम बोलचाल में तो इस तरह से शब्द को प्रयोग करेंगे, देयर इज नो डाउट ऑन योर क्रिएटिविटी, मतलब आपकी रचनात्मकता पर कोई संदेह नहीं है, शक नहीं है। तो डाउट का मतलब शक। दूसरा एग्जाम्पल है कि हियर आर 10 वेज यू कैन ड्रामेटिकली इंप्रूव योर क्रिएटिविटी, मतलब यहां पर 10 तरीके हैं जिनसे आप नाटकीय रूप से अपनी रचनात्मकता में सुधार कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग में नई नई थिंकिंग आए, नए सोच पैदा हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपने क्रिएटिविटी शब्द को हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेयर डेस्क।